नमस्कार। सो 12वीं के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और लोग हमारे पास भी कई फोन आ रहे हैं, लोग काउंसलिंग के लिए सेशन लेने आ रहे हैं, कहाँ पढ़ाई करें, कैसा कोर्स करें, इंडिया में करें या बाहर जाएं, अभी बाहर जाएं या ग्रेजुएशन के बाद जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सब कन्फ्यूजन में एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन हो गया या मैं छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। और वो चर्चा है खासकर यूजी लेवल पे, 12th के बाद के लेवल पे कई लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 साल यहाँ पढ़ लो फिर 2 साल कनाडा, या 2 साल यहाँ 1 साल ऑस्ट्रेलिया, या 1 साल यहाँ 2 साल ऑस्ट्रेलिया, या यूके की बात करें तो 2 साल यहाँ तीसरा साल यूके, इस तरह से मिक्स एंड मैच ऑप्शन। तो वो यूनिवर्सिटी जो वैसे बाहर की थी और उन्होंने इंडिया में अपना कैंपस भी खोला है, बेसिकली इंडिया में कहीं टाई अप कर लिया गया है जो फेमस इंडिया की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और फिर ये आपको ऑप्शन दे रही है। तो कई पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ये ऑप्शन लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या प्रोस एंड कॉन है, कौन से। तो सबसे पहले क्या फायदा है, देखिए डेफिनेटली जो भी टाई अप है इसमें अक्सर आपको जो एजुकेशन का जो डिलीवरी है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के हिसाब से दी जाती है। तो अगर आप एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो इट इज अज्यूम्ड कि वो क्वालिटी बेटर होगी, क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का केस बेस्ड स्टडी वाला पैटर्न होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पे फोकस होता है बजाय कि रट्टाफिकेशन जो इंडिया में चलता है, तो आपको जेन्युइन नॉलेज मिलती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2, डेफिनेटली आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है विच इज ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके फ्यूचर के लिए वो हेल्प होती है। तीसरा डेफिनेटली देखिए, अगर आप बाहर पढ़ने के सोच रहे थे लेकिन टोटल बजट आपके बजट से बाहर था, तो इंडिया में पढ़ के आपका वो बजट है वो 50% आधा रह जाता है, तो ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि बजट आपका आधा रह गया। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए हैं अगर आप इस मॉडल में जाते हो कि आप अपना बजट कम कर सकते हो। चौथा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर देखिए इंडिया में यूजी का बच्चा 17-18 साल का होता है, जो एक्चुअली बच्चा होता है, बहुत ही लाडो प्यार में पला हुआ पैम्पर्ड चाइल्ड। तो कई बार पेरेंट्स को डर भी होता है कि इतनी कम उम्र में भेजेंगे, पता नहीं अपने आप से मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सो 2 साल इंडिया में पढ़ाई करके थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, 19-20 साल का हो जाता है, और स्पेशली स्कूल से जब वो कॉलेज एटमॉस्फेयर में जाता है तो वैसे भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है इस मॉडल में जाने का। तो चाहे आप बजट की बात करें, चाहे आप चाइल्ड की मेच्योरिटी की बात करें, चाहे आप ग्लोबल एजुकेशन के फायदे की बात करें या ग्लोबल डिग्री के फायदे की बात करें, हर चीज में बेनिफिट ही है। नुकसान क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, मेरे पास भी आते हैं, कि वीजा की गारंटी नहीं है। तो पता चलता है 2 साल यहाँ पढ़ाई करके फिर आपने वीजा अप्लाई करा पर आपका वीजा नहीं मिला, चांसेस आर वेरी हाई बट देयर ऑलवेज 5% चांस कि आपको वीजा ना मिले, तो फिर आपको पूरी पढ़ाई इंडिया में ही करनी पड़ेगी, तो आपने फीस दी ज्यादा। क्योंकि अक्सर जो ये कैंपस है ना, इनमें जो इंडिया वाली पढ़ाई भी है उसकी फीस इंडिया वाली नहीं है, तो जैसे बाहर जाके अगर आपकी फीस 15 लाख रुपए साल है, इंडिया में ये आपसे ले रहे हैं 5 लाख रुपए साल, बट इंडिया में पढ़ाई तो 1 लाख रुपए साल में भी हो जाती है। तो अगर आपको पूरा कोर्स इंडिया में पढ़ना पड़ जाए तो फिर 5 लाख भी साल के आप क्यों देते, आप तो 1 लाख रुपए साल की पढ़ाई दे सकते थे। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वो है कि अगर आपका वीजा नहीं लगा और आपका पूरा कोर्स इंडिया में ही करना पड़ गया तो शायद आपको लगे कि आपके साथ धोखा हो गया, आपका नुकसान हो गया, ये सबसे बड़ा एंगल है। दूसरा देखिए, अगर आपका बजट है तो आपको अभी बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो ग्लोबल एजुकेशन और ग्लोबल डिग्री के अलावा एक तीसरा भी एंगल होता है, वो होता है डेवलप्ड वर्ल्ड में रहना, उसके कल्चर में जेल होना। तो अगर आप पूरे 4 साल वहां रहते हैं या 2-2 साल के हिसाब से रहते हैं तो 2 साल और 4 साल में 2 साल का फर्क है। तो डिग्री वगैरह जब सब सेम हो जाएगी, लेकिन जो एम्प्लॉयर है फ्यूचर में उसको मालूम है ना कि ये बच्चा मेरे देश में 4 साल से है, ये बच्चा मेरे देश में 2 साल से है। सो डेफिनेटली 4 साल वाले को प्रेफरेंस मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपके पास बजट है तो पक्का भी भेजिए, तो उसमें कंपेरिजन मत कीजिएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन है कि लो बजट, मतलब लोअर बजट देन कंप्लीट अब्रॉड एजुकेशन, बच्चा आपका थोड़ा मेच्योर हो जाएगा और इंडिया में रह के आपको ग्लोबल एजुकेशन क्वालिटी और ग्लोबल डिग्री आपको मिल रही है। लेकिन फिर से मैंने बोला, वीजा की गारंटी कोई इस ऑप्शन में नहीं होती है। एंड सेकेंडली, फुल कोर्स करने से ये कोर्स करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता बाहर। तो अगर आपके पास पूरा बजट है तो आप इस ऑप्शन को बदल लीजिए, आप 5% रिस्क ले सकते हैं तो इस बजट ऑप्शन को ले लीजिए, और उसके अलावा तो बेनिफिट सही हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इंडिया में अवेलेबल हैं, कौन सी आपके लिए सुटेबल है, कौन सी बेस्ट है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप एक अच्छे करियर काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, आप जीके वर्स से संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड करेंगे जो भी हमारे सेशन होते हैं कि आपको कौन सी ऑप्शन आपके लिए
परफेक्ट या बेस्ट है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। और आपको हमें संपर्क करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9643362320 पे। धन्यवाद।